Good morning, students. I hope आप लोग ठंड का भी मजा ले रहे होंगे और आप लोग घर में सुरक्षित होंगे. आज हम लोग चैप्टर 13 फूड फेस्टिवल्स फिल्म्स एंड गेम्स के बारे में पढ़ेंगे. फूड का अर्थ आप समझ रहे होंगे भोजन, फेस्टिवल यानी पर्व या त्योहार, फिल्म्स सिनेमा एंड गेम्स यानी खेल. आज हम लोग पहले टॉपिक फूड्स इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. इसमें बुक में पेज नंबर 95 निकालिए और उसमें हम लोग रीड करते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूं. सो लेट अस स्टार्ट. आर यू हेल्दी? आर यू स्ट्रांग? आर यू एन इंटेलिजेंट पर्सन? Are you an enterprising? If these questions arise, it is very difficult to categorize a person where he or she fits in. The most reasonable options you may find when you are well informed about the tools of your complete growth and development. क्या आप स्वस्थ हैं? क्या आप मजबूत हैं? क्या आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं? क्या आप उद्यमी हैं? अगर ऐसे क्वेश्चंस सवाल उठते हैं तो फिर यह बहुत ही कठिन होता है किसी भी व्यक्ति को कैटेगराइज करना कि वो किस कैटेगरी में फिट बैठता है. सबसे उचित विकल्प यह होता है कि आदमी को अपने विकास और विकास के साधनों के बारे में उचित तरीके से उसको पता हो. इन आवर रिसेंट पास्ट इट हैज बीन सीन दैट द रोल ऑफ foods, festivals, films and games are quite crucial in developing a young into an enterprising person. हाल ही के दिनों में एक व्यक्ति को उद्यमी बनाने के लिए उसके लाइफ में भोजन का, पर्व या त्योहार का, सिनेमा का और खेलों का महत्वपूर्ण योगदान होता है. As you know, for a healthy body, good food, clean air, clean water and good sleep are needed. जैसा कि आप जानते हैं कि स्वस्थ शरीर के लिए अच्छा भोजन, स्वच्छ हवा, साफ पानी और अच्छी नींद आवश्यक होती है. In the same way, food, festivals, films and games are the integral parts of our life. ठीक उसी प्रकार से भोजन, पर सिनेमा और खेल भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है. एंड दे टीच अस टू बी ए सोशलाइज्ड, कल्चर्ड एंड पोलाइट ह्यूमन बीइंग विद अ टीम स्पिरिट एंड अ सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस. और ये सब चीजें हमारे अंदर एक टीम स्पिरिट की भावना और प्रतिस्पर्धा का सेंस ये सब हमारे अंदर सिखाता है और ये हमें एक सामाजिक, सुसंस्कृत और विनम्र इंसान बनने में मदद करता है. दीज क्वालिटीज हेल्प टू टेक ए लीड इन सोसाइटी एंड अचीव द गोल्स इन लाइफ. ये सब विशेषताएं जो हैं हमें समाज में लीड करने में और अपने जीवन के जो हमारे लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने में मदद करता है. अब हम लोग जानेंगे फूड्स इन इंडिया. ये टॉपिक हम लोग के बारे में पढ़ेंगे. इंडिया इज नोन फॉर इट्स फूड. भारत देश जो है अपने व्यंजन के लिए काफी विख्यात है, वो इसके लिए बहुत जाना जाता है. ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रेस्टोरेंट्स विच सर्व इंडियन फूड. पूरी दुनिया में ऐसे हजारों रेस्टोरेंट हैं जहां पर भारतीय व्यंजन परोसे जाते हैं. Anywhere in the world, whether New York or London, you can eat a biryani or can have a dosa. विश्व में कहीं भी, चाहे न्यूयॉर्क हो या लंदन, आप वहां पर बिरयानी और डोसा खा सकते हैं. This is not surprising, as Indian food is very tasty and is enjoyed all over the world. ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारतीय व्यंजन जो हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और
पूरे विश्व में इसका आनंद लिया जाता है। मतलब ये कि पूरे विश्व के लोग इसके स्वादिष्ट स्वाद के दीवाने होते हैं और इसको बहुत मजे से खाते हैं। फ्रॉम आवर अर्ली डेज, हमारी शुरुआत के दिनों से ही इंडिया हैज बीन नोन फॉर इट्स ग्रेट वेराइटी एंड हाई क्वालिटी ऑफ स्पाइसेस। भारतवर्ष जो है अपनी विविधताओं के लिए और मसालों की उच्च गुणवत्ता के लिए जाना जाता है रहा है। पीपल फ्रॉम मेनी कंट्रीज कवर डिस्टेंसेज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स टू बाय स्पाइसेस ऑफ आवर कंट्री। दुनिया के विभिन्न कोनों से लोग जो हैं हमारे देश में हजारों मील की दूरी तय करके मसालों को खरीदने के लिए यहाँ आते थे। दे ब्राउट गुड्स फ्रॉम देयर ओन कंट्रीज एंड एक्सचेंज दीज गुड्स फॉर चिलीज कार्डमम पीपर टर्मरिक एंड अदर स्पाइसेस। उन देशों के लोग जो है अपने यहाँ के बने हुए वस्तुएं लाते थे और हमारे यहाँ उसके बदले में मिर्च, काली मिर्च, इलायची और हल्दी, ये सब इत्यादि अन्य मसाले वो खरीदते थे। दीज स्पाइसेस हैव मेड इंडियन फूड रिच, टेस्टी एंड कलरफुल एंड हैव ऑल्सो मेड इंडियन फूड वेरी पॉपुलर वर्ल्ड वाइड। ये मसाले जो हैं भारतीय व्यंजन को बहुत ही समृद्ध, स्वादिष्ट और रंगीन बनाते हैं और साथ ही इन मसालों की वजह से जो है हमारे भारतवर्ष पूरे विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध हो गया हुआ है। इंडियन फूड इज एज वेराइड एंड एक्साइटिंग एज इट्स पीपल। जिस प्रकार भारतवर्ष में जितनी विविधताएं हैं हमारे बीच में, उसी प्रकार हमारा भारतीय व्यंजन भी बहुत ही पॉपुलर। मोस्ट पीपल इन इंडिया ईट राइस। भारत में ज़्यादातर लोग जो है चावल खाते हैं। राइस इज द स्टेपल फूड, चावल यहाँ का मुख्य भोजन है। राइस कैन बी बॉइल्ड और फ्राइड, चावल को उबाल करके भी खा सकते हैं और भून करके भी खा सकते हैं। इट कैन बी ब्राउन, रेड, व्हाइट और इवन कलर्ड येलो। चावल का रंग जो होता है वो भूरा भी हो सकता है, लाल रंग का या सफेद या पीला रंग का भी होता है। राइस कैन ऑल्सो बी ग्राउंड इंटू फ्लोर एंड मेड इंटू इडलीस, डोसास एंड ए नंबर ऑफ अदर डिशेज। चावल को पीस करके उससे आटा बनाया जाता है और उस आटे से विभिन्न प्रकार के व्यंजन जैसे कि इडली, डोसा और भी अन्य प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द स्टेपल फूड इज वेट। देश के उत्तरी भाग में जो यहाँ का मुख्य भोजन है वो गेहूं है। चपातीज और रोटीज आर मेड फ्रॉम व्हीट। गेहूं से चपातियां या रोटियां बनाई जाती हैं। अलोंग विद दिस बेसिक फूड पीपल ईट दाल, चटनी, कर्ड्स और ए सिंपल वेजिटेबल करी। इस मुख्य व्यंजन के भोजन के अलावा उसके साथ दाल, चटनी, दही और वेजिटेबल सब्जी कड़ी भी खाई जाती है। Now come to next page 96. करी is eaten all over India. करी जो है पूरे भारत में खाई जाती है। But its preparation varies a great deal from place to place. लेकिन इसका जो बनाने का तरीका है अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। For example, in Andhra Pradesh, the curries are very hot. उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश राज्य में जो है कड़ी जो बनाए जाते हैं वो बहुत गर्म होती है विद मेनी चिलीज और उसमें बहुत सारा तीखापन रहता है, बहुत सारी मिर्ची डाली जाती है। एंड इन द नॉर्थ द करीज आर ड्राई एंड नॉट सो हॉट। जबकि देश के उत्तरी भाग में जो है आपका करी जो है थोड़ा सूखा होता है और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है। देर आर मेनी वेज ऑफ मेकिंग ए करी एंड ऑलमोस्ट एनी वेजिटेबल और मीट कैन बी यूज इन ए करी। इस प्रकार से करी के अलग अलग तरीके बनाने के हैं और इसमें
विभिन्न प्रकार की सब्जियां या मांस भी डाल करके बनाए जाते हैं. द टेस्ट वेराइज अकॉर्डिंग टू द काइंड्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स हर्ब्स एंड स्पाइसेस विच आर यूज्ड. इस कड़ी का जो स्वाद होता है उसमें पड़ने वाले विभिन्न प्रकार की सामग्री और मसालों पर निर्भर करता है. ऑन स्पेशल ओकेजंस स्पेशल फूड्स आर प्रिपेयर्ड. खास मौकों पर खास प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं. फ्रेंड्स रिलेटिव्स एंड अदर गेस्ट गैदर इन वन प्लेस एंड ए ह्यूज मील इज सेट आउट बिफोर दे. जब आपके घरों पर कोई दोस्त या सगे संबंधी या रिश्तेदार आते हैं तो उनके सामने एक भोजन की बहुत बड़ी थाली सजाई जाती है. द थाली इन फ्रंट ऑफ ईच पर्सन इज सराउंडेड बाय मेनी स्मॉल डिशेज. उनके सामने जो थाली परोसी जाती है उसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन भी दिए जाते हैं. इन दिस देयर आर पिकल्स एंड चटनीज स्वीट डिशेज एंड हॉट डिशेज. उनकी थाली में मुख्य व्यंजन के अलावा चटनी अचार मीठे व्यंजन और गर्म व्यंजन भी रहते हैं. राइस और चपातीज और पूरीज आर सर्व एंड वेरियस करीज आर हिट ऑन द थाली. और उनकी थाली में विभिन्न प्रकार की रोटियां पूड़ियां भी परोसी जाती हैं और विभिन्न प्रकार के कड़ी भी दिए जाते हैं. आफ्टर दिस देयर इज मोर राइस सर्व विथ कर्ड और बटर मिल्क और रसम. इसके बाद राइस के साथ दही या साउथ में एक रसम होती है व्यंजन उसका नाम वो भी दिया जाता है. देन कम्स द फ्रूट और वन ऑफ आवर फेमस स्वीट्स रसगुल्ला ए पेड़ा और हलवा और ए जलेबी. और इसे भोजन हो जाने के बाद उसके अंत में वहाँ की जो मुख्य मिठाइयाँ होती हैं चाहे रसगुल्ला हो या पेड़ा या जलेबी वो भी दी जाती है. लास्टली देयर इज पान दैट इज कॉल्ड बीटल और सुपारी और अरेका नट फॉर दोज हु लाइक इट. और अंत में जो व्यक्ति पान खाना पसंद करते हैं या सुपारी लेना पसंद करते हैं उन लोगों को हम लोग वो भी देते हैं. तो व्हाट ए ग्रैंड मील दिस इज जस्ट टू थिंक अबाउट इट. तो आप ये सोच करके देखिए कि हमारे जो भारतीय व्यंजन होता है कितने भव्य तरीके से लोगों के सामने हम लोग परोसते हैं और लोगों का स्वागत करते हैं. Now we will discuss about the topic ways of eating, खाने के तरीके. The traditional way to eat Indian food is to eat with our your fingers. हमारे भारत देश में जो पारंपरिक तरीका है भोजन करने का वो है अपनी हाथों से करने का. In China and Japan, people use chopsticks and in Western countries they use a knife. एंड फॉर चाइना और जापान में जो भोजन खाते हैं वो चॉप स्टिक्स के सहारे खाते हैं. आप चॉप स्टिक्स देखे होंगे एक लकड़ी की छोटी छोटी तीलियाँ जैसी होती हैं उसके द्वारा वो लोग चाउमीन को वगैरह खा करके आप वो लोग खाते हैं. जबकि वेस्टर्न कंट्रीज पश्चिमी देशों में जो है अमेरिका यूरोप में जो है वो चाकू और कांटे वाले चम्मच का सहारा करके खाते हैं. वो लोग हाथ से खाना कम पसंद करते हैं. बट इन इंडिया फूड डज नॉट टेस्ट द सेम इफ इट इज ईटन इन एनी अदर वे. लेकिन भारत में भोजन को खाने का जो स्वाद आता है वो अगर हम अपने हाथों से खाने के बजाय किसी और तरीके से खाएं तो उतना स्वाद नहीं मिल पाता है. तो जो खाने का लुत्फ उठाना चाहते हैं भारतीय व्यंजन को तो उन्हें अपने हाथों से भोजन को खाना चाहिए अपने. इवन टुडे इन मेनी विलेजेस इंडियन फूड इज ईटन ऑन ए लीफ प्लेट एट वेडिंग्स एंड अदर सेलिब्रेशंस. आज भी भारतीय गांव में जो शादी विवाह मौके पर जो भोजन खिलाए जाते हैं अभी भी वो पत्तल में खिलाए जाते हैं. समटाइम्स दिस प्लेट्स are made up of many smaller leaves which are joined together with short wooden sticks. जो इस तरह के जो प्लेट बनते हैं
वो वृक्ष के पत्तों से छोटे छोटे पत्तों को जोड़ करके छोटी छोटी तीलियों से उसको जोड़ा जाता है और उसको हम उस पर हम लोग को खाना परोसा जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा और आप लोगों को इसका अच्छा खासा अनुभव भी होगा। समटाइम्स दे आर ए पार्ट ऑफ ए होल लीफ फ्रॉम द बनाना ट्री। कभी कभी साउथ वगैरह में जो है आपको केले के पत्तों पर खाना खिलाया जाता है, उसको काट करके वहां पर केले के पत्तों पर ही खाना परोसे जाते हैं। दिस वे ऑफ ईटिंग मीन्स दैट देयर इज लेस वॉशिंग अप टू डू एट द एंड ऑफ द मील। इस तरीके से खाने का एक फायदा ये होता है कि आपको खाना खाने के बाद जो है उसको आप फिर फेंक सकते हैं और फिर आपके लिए एक नया पत्ता सर्व होता है और फिर आप उसमें स्वच्छ तरीके से अपना व्यंजन खा सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ इंडियन फूड्स, जो भारतीय व्यंजन है उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फूड इन इंडिया इज चीप एंड इजिली अवेलेबल। भारत में जो व्यंजन होते हैं भारतीय व्यंजन वो बहुत ही सस्ते और आसानी से सभी जगह मिलने वाले होते हैं। इफ यू वांट टू ईट आउट, अगर आप इसे बाहर खाना चाहते हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल रेस्टोरेंट्स कैफेज एंड ढाबास। आपको घर से बाहर अगर खाने का मन कर रहा है तो आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट ढाबा और कैफे ये सब मिल जाएंगे जहाँ आप वहाँ पर जाकर के भारतीय व्यंजन का मजा ले सकते हैं। देयर आर ऑल्सो मेनी एक्सपेंसिव एंड लग्जरियस रेस्टोरेंट्स एंड बिग होटल्स। बड़े बड़े होटलों में शहरों में बहुत सारे महंगे और लग्जरियस रेस्टोरेंट भी हैं जहाँ पर वहाँ आप अपने साथ अकेले या आपके परिवार के साथ अच्छे से बैठ करके आप भारतीय व्यंजन का लुत्फ उठा सकते हैं। यू कैन हैव ए मील फॉर 10 रुपीज और इफ यू लाइक यू कैन हैव वन फॉर 5,000 रुपीज। अगर आपकी आमदनी आपके पास अगर पैसे कम है तो आप 10 रुपये का भी कुछ भोजन करके खा सकते हैं और अगर आप ज़्यादा खर्च करने के शौकीन हैं तो आप उसके लिए ज़्यादा पे करके भी महंगे होटल में आप भारतीय व्यंजन खा सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने जाना फूड्स इन इंडिया में विभिन्न प्रकार के फूड के बारे में, भोजन के बारे में, उसके खाने के तरीकों के बारे में और उसके अवेलेबिलिटी के बारे में। हम लोग नेक्स्ट क्लास में टॉपिक फेस्टिवल्स के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्लास में फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। उस टॉपिक का नाम होगा फेस्टिवल्स इन इंडिया। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।